हम लोग का क्या बोलेंगे डिनर का, ठीक है। तो आज हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मुंह धोने के लिए, ये है बच्चा है हमारे पास। मुरीदर ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं पियेंगे, एक एक पैक पियेंगे हम लोग यहाँ से। ओह मजा तो चेस दसो। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब आए, ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ फिलहाल अपनी ड्यूटी से, आगे रूम पे पहुँचा, अभी जस्ट 5 मिनट हो चुके हैं मुझे आए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अलग रहेगा, ठीक है। शायद आप लोग कोई बोर हो जाते होंगे डेली डेली LQL वाला वीडियो देखने में, तो आज मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगा। तो अलग मतलब हम क्या खाते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारी नोटिस अरुणाचल प्रदेश में जो खाते हैं नोटिस की स्टाइल में, तो आज मैं खाना बना के खाना खाएंगे आज, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा, कुकिंग करूंगा, फिर खाएंगे और, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यही रहेगा, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ और क्या खाने वाला हूँ, कैसे खाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे पकाने वाला हूँ, सारी चीज़ आप लोग को दिखा दूंगा अभी फिलहाल। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिकन ला चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आधे किलो चिकन है, तो ये अलग है, तो ये भी चिकन है, तो मैं इसको अलग तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं बनाऊंगा मिर्ची की चटनी बनाऊंगा इसको, ठीक है। मिर्च की साथ चटनी बनाऊंगा, वो कैसे बनाऊंगा आप लोग को दिखा दूंगा। और ये देख सकते हो, इसको फिलहाल मैं आलू के साथ बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है। और आलू दोस्तों ये मिर्ची है, ठीक है। तो मिर्ची भी मैं इसमें पीछूंगा इसमें भी, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं है, तो नाली से काम चलाना पड़ेगा मुझे। तो नमक पहले डालता हूँ ताकि अच्छे से पीस जाइए, ठीक है। तो ये डालिए नमक, तो भाभी में पीस के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी तेल गर्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी इसको फिलहाल प्याज डालने जा रहा हूँ इसमें, लहसुन भी डाल देता हूँ, लहसुन भी यहाँ पे डाल दिया। तो अभी फिलहाल डालूंगा यहाँ पे मिर्ची, ठीक है। तो मिर्ची डाल दूंगा यहाँ पे, मैं डाल लूंगा मैं हल्दी, ठीक है। तो दो चम्मच हल्दी डाल दिया, उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे जीरा पाउडर है, ठीक है। तो ये जीरा पाउडर है मेरा, और जीरा पाउडर ये डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये मिर्च मसाला डाल दिया यहाँ पे, और बाद में डालूंगा अभी के लिए बस इतना डालू। तो गाइस मेरी जो प्याज वगैरह ये भी लाल हो चुका है, एकदम पक चुका है। तो अभी मैं इसमें डालने वाला हूँ टमाटर, ठीक है। तो ये मेरा टमाटर डाल दें यहाँ पे, टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिलाऊंगा, पहले इसको पकाऊंगा और इसको ग्रेवी बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये मिर्ची है, थोड़ा पास से दिखा दीजिए, तो ये मिर्ची देख सकते हो ये। तो मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, मिर्ची पीसने वाला हूँ, चटनी बनाऊंगा मिर्ची का, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने प्याज बचा के रखा था, इसको भी यहाँ डालूंगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ डालूंगा, तो उसके बाद चिकन को भी यहीं डालूंगा, साथ मिक्स करके यहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये भी डाल लिया मैंने, तो उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा पानी, ताकि चिकन भी अच्छे से पके और मिर्ची भी पके, ठीक है। तो ज़्यादा भी नहीं डालूंगा, क्योंकि एकदम इसको सोखना पड़ेगा एकदम से। तो यहाँ पे मैं लहसुन 3 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 3 ये डाल दिया मैंने, तो इसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं इसके हिसाब से नमक डालता हूँ कितना ज़रूरत होगा इसमें, ठीक है। तो इतना मैंने अपने हिसाब से नमक डाल दिया, तो ये मैंने हल्दी डाल दी यहाँ पे, ठीक है। इसको बॉयल कर रहा हूँ, इसको बॉयल करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जला देता हूँ। तो
करके रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। जब पानी सूखने वाला होगा, पूरा अच्छे से पकेंगे तब जाके मैं इसको, जब पानी सूखेगा सूखने के बाद इसको पीसूंगा, तो चटनी बनेगा उससे, बहुत ही मजेदार चटनी बनता है, बहुत ही अच्छा फेवरेट है हम लोग का, ठीक है। तो अभी काफी देर हो चुका है, इसको देखता हूँ इसका हालत क्या हो गया, ठीक है, एक बार आप लोग भी देखो। तो ये हो चुका है, मेरे टमाटर पक चुका है यहाँ पे, ठीक है, टमाटर पक चुका है, तो जो चिकन मैंने बना के रखा था, तो चिकन यहाँ पे डाल रहा हूँ इसको। क्या रखता हूँ, थोड़ी देर इसको पकाऊंगा, उसके बाद पानी डालूंगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों काफी देर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसमें अभी फिलहाल पानी डालने वाला हूँ इसमें, तो चिकन पकाने का बहुत समय तक मैंने ये पानी भर के रखा है यहाँ पे, तो पानी डाल रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो। तो काफी देर तक इसको पकाऊंगा, समथिंग पकाऊंगा मेरा इसका, तो एक बार मैं इसका भी दिखा देता हूँ आप लोग को। पूरा पानी सूख गया इसका, ठीक है, तो अभी मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, तो इसको अब पीसा जा रहा है, ठीक है, तो इसको पीसा जा रहा है, ठीक है, काफी देर तक इसको पीसना पड़ेगा हमारा, तब जाके चटनी बनेगा ये मिर्ची की चटनी, ठीक है। तो ये भैया जो है पीस रहा है फिलहाल, तो गाइस यहाँ पे और एक सब्जी तैयार हो रहा है हम लोग का, ठीक है, तो ये हम लोग मिक्स बनाने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें क्या गया मैं बता देता हूँ, बंदा गोभी, आलू एंड टमाटर एंड बैगन है, ठीक है, तो इसको मिला के हम लोग ये भी बिना तेल से बनाएंगे, बिना तेल डाले बनाएंगे, तो किस तरह का बनाते हैं ये भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो गाइस ये फिलहाल काफ़ी देर से इसको भी पका रहा हूँ, तो मैं इसको देखता हूँ इसका हालत क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये भी पानी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसमें डालने वाला हूँ आलू इसमें भी, तो ये गाइस आलू है, मैंने आलू दो दागे अच्छे से धो के काट के रखा हूँ, चल तो मैं। तो भैया जो है इसको काट रहे अच्छे से, देख सकते हो बड़ा बड़ा पीस करके रखेगा ये भी, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे इसको भी, एकदम अपना स्टाइल में बनाएंगे ये नोटिस की स्टाइल में, ठीक है, टमाटर हो गया, बैगन हो गया। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये मच्छी है, सूखा मच्छी, ये हम लोग सब्जी में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग कटिंग कर रखा है इसको, तो ये मच्छी जो है, जो ये सब्जी देख रहे हो आप, ठीक है, तो इसको पहले धोएंगे अच्छे से, पहले इसको धो, इसको अच्छे से धोएंगे तब जाके ये सब्जी के साथ उसको बनाने वाले हैं हम, ठीक है, तो ठीक है। तो गाइस हम इसको जो बनाने वाले हैं ना सब्जी, तो पानी ये देख सकते हो, सिर्फ पानी से बनाएंगे, तो भैया यहाँ पे क्या क्या डालने वाला देख सकते हो। तो सबसे पहले नमक डाल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल रहा है हल्दी डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो नमक तो डाल लिया और जाके हल्दी डाल रहा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से जितना सब्जी बनेगा उसके हिसाब से ये डाला जा रहा है। जो मच्छी है सूखा वाला मच्छी, इसको धो के अच्छे से रखा है, तो अभी सब्जी में डालने जा रहा है ये, तो अभी हम सब्जी नहीं डाले फिलहाल, पानी को जो है उबाल रहे हैं, पहले गर्म करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है, तो है उबालते हुए इसको, तो अभी इसमें हम डालेंगे मिर्ची, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उबालते समय मिर्ची डाल रहा है, इससे क्या है जलने की होने है, इसमें लहसुन और मिर्ची साथ में पीसा है, ठीक है, इसमें पकता है, ठीक है, सबसे पहले ये डालेंगे हम इसको, क्योंकि थोड़ी देर टाइम लगता है इसको पकने में, तो ये डाल दिया यहाँ पे भैया ने, आलू को कितने बड़ा बड़ा पीस कर रखा है देखा है, टमाटर आलू और हम मिक्स बनाते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही टेस्ट होता है, तो बैगन को उधर रखा है साइड में। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गया हमें, ठीक है, चिकन पकाते हैं, शायद आलू भी पक गया होगा, एक बार देख रहा है पका कि नहीं, आलू एक बार तो तोड़ के देखना पक गया कि नहीं, पका पक गया ना, तो गाइस ये आलू भी पक चुका है हमारा, तो अभी इसमें धनिया पत्ता डालो, नमक देखो टेस्ट करो कैसा हुआ, नमक डाल रहा है यहाँ पे भैया, कह रहे हैं नमक कम हुआ है, इस करेंगे हम, धनिया पत्ता भी डाल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये पक गया हमारा, ठीक है। तो दोस्तों काफी देर हो गया इसको, ठीक है, पकाते हुए, आलू पका के नहीं पका देते, ठीक है, दो
तो दोस्तों फाइनली हम लोग की खाना तैयार हो चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया और साग बॉयल करना था और चावल भी मैंने बैठा दिया, ठीक है। तो बस तैयार हो गए, खाना बाकी रहेगा। भूख तो बहुत जोर से लग रहा है और मैं अभी थोड़ी देर आप लोग को छत से मतलब बालकनी से दिखा देता हूँ आप लोग का क्या है इधर, ठीक है। दोस्तों रात हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रहता हूँ और ये देख सकते हो यहाँ पे ये मेरी नीचे एकदम रोड है ये, ठीक है, गली रोड है जहाँ मैं रहता हूँ। ये तो मैं पांचवा मंजिल में रहता हूँ, पांच फ्लोर में, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा ये मंडी है, ठीक है, इधर मंडी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये MG रोड जो दिख रहा है ना आपको, लाइट दिख रहा है वहाँ पे, तो ये MG रोड का नज़ारा है ये जो आप ये जो दिख रहा है, ठीक है, साबा आने रहा है। तो ये MG रोड का नज़ारा है, ये MG रोड जो मेट्रो स्टेशन का, ठीक है। तो वहीं पर फिलहाल तो फाइनली गाइस ये भी पक चुका है, ठीक है। तो ये भी पक गया हम लोग का, जो हम लोगों ने बनाया था ये सब्जी भी पक चुका है हम लोग का। इसमें मैं केवल इसमें नमक दे के बॉयल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं नमक डाल चुका हूँ यहाँ पे, तो अभी इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये ठीक है, तो ये आज पीने वाले हम लोग और तो गाइस ये देख सकते हो आप आज का डिनर, मतलब हम लोग का क्या बोलेंगे डिनर का, ठीक है। तो आज हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मुंह धोने के लिए ये है बच्चा है हमारे पास ठीक है, ज्यादा भी नहीं पियेंगे, एक एक पैक पियेंगे हम लोग यहाँ से। एक ही पैक, ठीक है। तो पानी नहीं डालोगे इसमें, बिना पानी नहीं तो डाल दे, पानी तो डालेंगे ना। तो ये ड्रिंक मत समझना दोस्तों, ये है साग का जो जूल है, तो इसको मैं रखा फिलहाल यहाँ पे। अयो बाबा खराब देखो ऊंची साथ में, तो ये मिर्ची है और ये जो हम लोग बॉयल के लिए बनाया दिया है तो चिकन है साथ में मिर्ची हुआ है, तो बता भी दो बजे जाओ। तो दोस्तों मैंने और इतना सारा खाना ले लिया, ठीक है।
तो दोस्तों मैंने दो थाली जो है दो थाली पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं बचा सिवाय हड्डी के अलावा कुछ नहीं बचा यहाँ, ठीक है। तो दोस्त खा रहा है अभी, तो मैं हाथ धोने जा रहा हूँ फिलहाल, तो इसको थोड़ी देर और देखिएगा, ठीक है। पेट निकल गया मेरा। तो गाइस महंगी दारू है तो इसको इसलिए मैं रखता हूँ, बस खाना खाने के समय में एक एक पैक मारता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं लेता इसमें से। तो दोस्तों मैंने तो खा के खत्म कर लिया और दोस्त को देख सकते हो अभी तक खा रहा है और बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा है। तो मैंने तो सिर्फ दो थाली खाया हूँ यहाँ पे और ज्यादा ज्यादा खाना था थाली, वो थाली भी तो इतना छोटा थोड़ी था, बहुत ज्यादा थाली था, ठीक है। तो दोस्त को दिखा देता हूँ थोड़ा। तो अभी साग थोड़ा बचा है और चिकन भी यहाँ पे बचा है, देख सकते हो चिकन आलू और यहाँ पे जो हम लोगों ने बॉयल सब्जी बनाया था ये भी यहाँ पे बचा है, तो अभी खा रहा है, देख सकते हो। ये थोड़ा स्पीड में खाओ यार, इतना स्लो में खाते हो यार बच्चे जैसा, हमें नहीं देखा कितना स्पीड में खाया है। चलो तो आराम से खाना खाओ आप। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत यहीं तक है, तो मैं आप लोग को जितना हो सकता है मैंने दिखाया कैसे खाना खाते हैं कैसे बनाते हैं, तो मैं दिखा दिया आप लोग को ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा, तो अगर किसी को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना और प्यारा सा एक कमेंट करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करना हमें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसे आऊँगा आप लोग के सामने कुछ अलग करके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, रात हो चुका है अभी।